असाउंड दोस्त, आज की सीरीज के अंदर जो कि नेमबैंड की एनिमेशन है, इसके अंदर हम नेमबैंड को एनिमेट करना और उसकी पैकेजिंग को किस तरह से एनिमेट करते हैं और उसको उस प्लस उसके विजुअल इफेक्ट्स कैसे उसके ऊपर अप्लाई होंगे, आइए देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। ये नेमबैंड का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसके अंदर इसके हम इसको जो हमने इसको फोटोशॉप में लेआउट किया था उसको हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर एनिमेट कर रहे हैं। ये टाइम काफ़ी शॉर्ट है, हम ज़रा उसके बाद फिर नमाज के पीरियड के बाद हम इसको दोबारा से देख लेंगे। पहले देखिए, मैंने सब कुछ इसको सॉर्ट आउट कर लिया। नेमिंग लाजमी है, नेमिंग मैंने करी थी इस सब की, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत सब थोड़ा बहुत इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर और ले लेता हूँ, उसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पे कर्व्स, सो कर्व्स को टारगेट एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर डाल देंगे। जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है वो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई होता है। तो ब्लू टोन देते हैं, ठीक है। रेड सही है, तो ये वाइब्रेंस सेलेक्टिव कलर, ये टूल्स हैं सारे इस फोटोशॉप के अंदर भी मूव हुए। ये देखें यहाँ पे इमेज लेयर के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर मेरा वाइब्रेंस वगैरह सेलेक्टिव कलर। अच्छा, अभी देख रहा हूँ कि ब्लाइंड्स में, इसको बाद में बताऊँगा आपको उसके बारे में क्या है। अच्छा, नेम बैंड को पहले हम पी प्रेस करके और कंट्रोल शिफ्ट और आगे के एरो पी दबाएंगे तो 10 सेकेंड्स ये आगे स्किप कर जाएगा। लिखेंगे पीछे करनी है उनको, क्योंकि ये जो एरिया है, ये लाइन जो है, इसका मतलब ये ऐसी लाइन है जो कि आपके टीवी के अंदर होती है। ये इसके अंदर टीवी का डिज़ाइन आ सकता है और इसके अंदर टीवी के अंदर के जो कंपोजिशन जो भी हो प्रोग्राम हो उसका टेक्स्ट आता है। सभी तो दोनों एक साथ आ रहे हैं। स्क्रीन टाइमिंग देख लेते हैं, कंपोजिशन प्रीव्यू रैम प्रीव्यू, बहुत स्लो है। इस नेम ग्रेन के आने से पहले इमेज आएगी, फिर उसके बाद ये लोअर थर्ड वाला सब आएगा। मैं काम करूँगा इन दोनों को तो सेव करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करके इसका पिक पिक इन दोनों का इसके साथ लिंक करा दूँगा। उसकी वजह जब ये मैं इसको मूव करूँगा तो इसके साथ है। पोजीशन पोजीशन नीचे की तरफ, उसको भी आगे लेके और लोगो हमारा लोगो है। इमेज को लेके आना है, इमेज को क्या करें इसका,
पहले कम प्रीफॉर्म कर लेते हैं इमेज को, कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे, प्रीफॉर्म कर देंगे, उसको नाम दे देंगे इमेज कॉम। अच्छा इसमें मैं ट्रांजिशन के ऊपर यहाँ पे की लगी हुई है, यहाँ भी इमेज देखो कैसे आए, ठीक है। अब इसके बाद नेम ब्रांड की बारी है, हेलो।